हे गाइस, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G और Motorola Moto G 5G में कौन बेस्ट है, और साथ ही देखेंगे कि फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स और प्राइजेस में कौन विनर है, और आखिर में मैं बताऊंगी आपको कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। स्टार्ट करते हैं रेयर कैमरा से। तो नोट 9 प्रो 5G में है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें है 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और Moto G 5G में है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें है 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पे क्लियर विनर है नोट 9 प्रो 5G। चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं कैमरा के फीचर्स की। नोट 9 प्रो 5G में है ड्यूल टोन, ड्यूल LED फ्लैश, HDR और पेनोरामा, और Moto G 5G में है LED फ्लैश, पेनोरामा और HDR। तो ड्यूल टोन, ड्यूल LED फ्लैश के कारण यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो नोट 9 प्रो 5G रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30fps पे, 1080p वीडियो 30 और 60fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और Moto G 5G रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30fps पे और 1080p वीडियो 30 और 60fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है टाई। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें यूजर इंटरफेस की, तो नोट 9 प्रो 5G में है MIUI 12 और Moto G 5G में है स्टॉक एंड्रॉयड। तो यहाँ मैं करती हूँ टाई, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको इन दोनों UI में से कौन सा UI पसंद है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है स्नैपड्रैगन 750G 5G, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें GPU की, तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है एड्रीनो 619 GPU, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है ऑक्टोकोर क्रायो 570, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें रैम की, तो नोट 9 प्रो 5G में है 6 और 8GB रैम ऑप्शंस, और Moto G 5G में है 4 और 6GB रैम ऑप्शन। तो यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G, क्योंकि इसमें है 8GB की रैम ऑप्शन। चलिए बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो नोट 9 प्रो 5G में है 128 और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज, और Moto G 5G में है 64 और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। तो यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G, क्योंकि इसमें आपको मिलती है ज़्यादा स्टोरेज। और यही बात की जाए एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलती है माइक्रो SDXE शेयर्ड सिम स्लॉट, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले की साइज से। नोट 9 प्रो 5G की डिस्प्ले है 6.67 इंचेस की, और Moto G 5G की डिस्प्ले है 6.7 इंचेस की। तो लार्जर डिस्प्ले के कारण यहाँ विनर है Moto G 5G। बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की। नोट 9 प्रो 5G की रेशियो है 84.6% और Moto G 5G की रेशियो है 85.7%। तो ज़्यादा रेशो के कारण यहाँ विनर है Moto G 5G। चलिए बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलते हैं फुल HD प्लस की डिस्प्ले, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें डिस्प्ले टाइप की, तो नोट 9 प्रो 5G में है IPS LCD विद HDR10 एंड 120Hz रिफ्रेश रेट, और Moto G 5G में है LTPS IPS LCD विद HDR10। तो यहाँ पे विनर है नोट 9 प्रो 5G, क्योंकि 120Hz की रिफ्रेश रेट आपको देगी बेटर एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं बॉडी की। स्टार्ट करते हैं थिकनेस से। नोट 9 प्रो 5G की थिकनेस है 9mm और Moto G 5G की थिकनेस है 9.9mm। तो स्लिमर बॉडी के कारण यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G। और बात करें वेट की, तो नोट 9 प्रो 5G का वेट है 215 grams और Moto G 5G का वेट है 212 grams। तो अप्रोक्स सेम वेट होने के कारण मैं यहाँ करती हूँ टाई।
और बात करें प्रोटेक्शन की तो नोट 9 प्रो 5G में है गोरिल्ला ग्लास 5 और मोटो जी 5G में है गोरिल्ला ग्लास 3। तो यह विनर है नोट 9 प्रो 5G क्योंकि इसमें आपको मिलता है न्यू जनरेशन का गोरिल्ला ग्लास। चलिए बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। नोट 9 प्रो 5G में है ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम और मोटो जी 5G में है प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम। तो ग्लास बैक के कारण यह विनर है नोट 9 प्रो 5G। और बात करें सिम की तो यहाँ सिम में दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलते हैं ड्यूल एनो सिम स्लॉट, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं फीचर्स की। स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। नोट 9 प्रो 5G में है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और मोटो जी 5G में है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के कारण यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G। और बात करें सेंसर्स की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलते हैं एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कंपास, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं बैटरी की। नोट 9 प्रो 5G में है 4820 mAh की बैटरी और मोटो जी 5G में है 5000 mAh की बैटरी। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ यहाँ विनर होता है मोटो जी 5G। और चार्जिंग के लिए नोट 9 प्रो 5G में है 33 W की फास्ट चार्जिंग और मोटो जी 5G में है 20 W की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G। चलिए बात करते हैं लाउड स्पीकर्स की। नोट 9 प्रो 5G में है स्टीरियो स्पीकर्स और मोटो जी 5G में है नॉर्मल स्पीकर्स। तो स्टीरियो स्पीकर के कारण यहाँ विनर है नोट 9 प्रो 5G। और बात करें हेडफोन जैक की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिल जाता है 3.5 mm के हेडफोन जैक, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए अब चलते हैं कम्युनिकेशंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं वायरलेस लैन से। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेज में है ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट एंड हॉटस्पॉट, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें ब्लूटूथ की तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेज में है 5.1 जनरेशन का ब्लूटूथ, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए बात करते हैं GPS चिप्स की। तो नोट 9 प्रो 5G में है ड्यूअल बैंड AGPS, ग्लोनेस, BDS, गैलीलियो, QZSS, GNSS और मोटो जी 5G में है ड्यूअल बैंड AGPS, ग्लोनेस, गैलीलियो, LTE-EP, SUPL। तो मैं यहाँ करती हूँ टाई। तो दोनों डिवाइसेज में ऑलमोस्ट सेम चिप्स होने के कारण मैं यहाँ करती हूँ टाई। और बात करें USB कनेक्टिविटी की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेज में है सेकंड जनरेशन का टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं प्राइजेस की। तो इंटरनेशनल मार्केट में नोट 9 प्रो 5G का प्राइस है $330 और मोटो जी 5G का प्राइस है $350 और इंडियन मार्केट में नोट 9 प्रो 5G का प्राइस है ₹18,000 और मोटो जी 5G का प्राइस है ₹21,000। तो अब सबसे आखिर में बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो यहाँ कैमरा में विनर है नोट 9 प्रो 5G, परफॉर्मेंस में है टाई, डिस्प्ले में विनर है नोट 9 प्रो 5G, बॉडी सेगमेंट में विनर है नोट 9 प्रो 5G, फीचर्स में विनर है मोटो जी 5G, यहाँ कम्युनिकेशंस में है टाई और यहाँ प्राइजेस में विनर है नोट 9 प्रो 5G। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस बेस्ट लगा और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को जरूर लाइक करें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे। मैं हूँ अंजलि, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।